नमस्कार, मैं आशु विश्वकर्मा, डीबीएस टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके बीच आज एक खास खबर को लेकर बात करने जा रहे हैं, जो एक 9 माह के आयांश नामक बच्चे की है, जो एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा है, जिसके इलाज के लिए करीबन 16 करोड़ रुपए लगने हैं। उसका एक इंजेक्शन ही सिर्फ 16 करोड़ रुपए का है, और उनके माता पिता के पास इतने पैसे ना होने की वजह से वे सरकार और आम जनता से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसी को लेकर बिहार के सीतामढ़ी जिले से पुपरी प्रखंड के लोग भी आयान सिंह की मदद के लिए आगे आए हैं। तो आइए चलते हैं सीधा बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुपरी प्रखंड में, जहां हमारे मोहम्मद साकिब संवाददाता हैं, जो हमें देंगे आगे का कुछ अपडेट। बिहार स्टार टीवी से मैं मोहम्मद साकिब। अभी पुपरी के अंदर जो राजपूरी चौक है, और इस जगह पे हम आयान जो बच्चा बीमारी से आज जूझ रहा है, और उनको इंजेक्शन की ज़रूरत है। जो इंजेक्शन जो है से जो अपने देश से बाहर का है, उसका कीमत जो है से 16 करोड़ रुपया, और ये 16 करोड़ रुपया का इंतज़ाम करना, ये हमारे बिहार वासियों से ये निवेदन करता हूँ कि सभी को जो है से बिहार के अंदर में फर्स्ट केस है जिसमें बिहार सरकार इसमें 1% भी ध्यान नहीं दे रही है, और ये बिहार की प्रतिष्ठा की बात है। किस ढंग से बताया जा सकता है इस बच्चे को कि बिहार सरकार के इसके ऊपर हमारे बिहार के जितने जनता है, उसको ये विचार करना है कि जैसे दूसरे स्टेट में भारत के अंदर में इस पटना जिला के रहने वाले आलोक सिंह के पुत्र 9 महीने के मासूम आयांश को अपनी जान बचाने के लिए लोगों की मदद की ज़रूरत है। आपको बता दें कि आयांश सिंह नामक जो 9 महीने का मासूम बच्चा है, उसे दुर्लभ मस्कुलर अट्रॉफी नामक बीमारी है, जिसके लिए जिस इंजेक्शन की ज़रूरत है उसकी कीमत 16 करोड़ रुपये है। वहीं ऐसे में आयांश के पिता आलोक कुमार सिंह भी बेहद ही परेशान हैं, और वे आम जनता के साथ साथ सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं बिहार के ही सीतामढ़ी जिला स्थित पुपरी गांव के लोग आयांश की मदद के लिए आगे आए हैं, और आम जनता को भी मासूम की सहायता के लिए जागरूक कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस 9 महीने की मासूम की मुस्कुराहट के पीछे काफ़ी दर्द छुपा हुआ है। आयांश को करोड़ों में से किसी एक को होने वाली एक दुर्लभ बीमारी मस्कुलर अट्रॉफी नामक बीमारी हुई है, जो घातक होने के साथ साथ जानलेवा भी है। इधर आयांश को बचाने की मुहिम में जन जागृति फाउंडेशन ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया है। इसी के साथ ही हमारी डीबीएस टीवी न्यूज़ की टीम भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, जगह जगह पोस्टर बैनर लगाकर लोगों को आयांश के इलाज के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए जागरूकता फैला रही है, ताकि आयांश को बचाया जा सके। वहीं इसी के साथ ही सीतामढ़ी जिले में काम कर रही हमारी डीबीएस टीवी न्यूज़ की टीम, जन जागृति फाउंडेशन और पुपरी प्रखंड के लोग सोशल मीडिया के साथ ही साथ डोर टू डोर जाकर आयांश की मदद के लिए लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जिससे जल्द से जल्द पैसा इकट्ठा किया जा सके और आयांश की जान बचाई जा सके। मैं जनता से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि 11 रुपया हो, 51 रुपया हो, जो भी रुपया आपके हाथ में है, कम से कम इस बच्चे को आयांश के नाम से आप अपने बेटे के तरह समझ करके इस पर डोनेशन दीजिए, ताकि बिहार की प्रतिष्ठा बच जाए, और ताकि सारी दुनिया में एक पद
पता चले कि बिहार में कितनी एकता है और जनता के बीच में कितनी उत्सुकता है कि ताकि बच्चा को बचाया गया। और मंत्री साहब और माननीय प्रधानमंत्री से मैं कहता हूँ कि वो अपनी कुछ डोनेशन दे ताकि बच पाए। यही कहना चाहता हूँ और सारे जनता जनार्दन को मैं निवेदन करता हूँ, 1 रुपया हो 11 रुपया हो, आप देने का कष्ट करें ताकि जिंदगी बच जाए आसानी पूर्वक और एक बच्चा जिंदगी में भविष्य में कुछ अच्छा कर पाए। यहाँ आज जैसे कि सशरक के भी बोले हैं, अभी 15 अगस्त चैनल के भी न्यूज रिपोर्ट किए हैं और ये भाई बोल रहे हैं। उसके बाद फोन पे नंबर पे और बैंक का नाम